हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट टू के बारे में। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में। आज हम सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस की बात करें तो प्रोनाउंस में आई, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कहलाते हैं, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है और ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन इसमें दे जो है वो थर्ड पर्सन तो होता है लेकिन प्लूरल प्रोनाउन होता है, और ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में ज़िक्र किया जाए। अब इससे ज़ाहिर ये हुआ कि जो शख्स बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में ज़िक्र किया जाए वो थर्ड पर्सन है। अगर वो अकेला है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हैं तो उन्हें हम थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी जुमला बनाने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि जुमले का सब्जेक्ट कौन सा है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए अलग तरीक़ाकार है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए अलग तरीक़ाकार है। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो हम जुमले इस तरह बनाते हैं, जैसे तुम बहुत मेहनत करते हो, यू वर्क वेरी हार्ड। तुम बहुत मेहनत नहीं करते हो, यू डू नॉट वर्क वेरी हार्ड। क्या तुम बहुत मेहनत करते हो, डू यू वर्क वेरी हार्ड। देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए कोई भी जुमला बनाने के लिए हमें किसी भी शर्त का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के जुमले बनाते हैं तो हमें कुछ शराइत का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर जुमला सादा हो और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हमें उस जुमले के वर्ब के आखिर में एस या ईएस का इजाफा करना पड़ता है। लेकिन जब हम इस जुमले को सवालिया या इनकारिया बनाते हैं तो ये शर्त ख़त्म हो जाती है। जैसे वो हर साल नई कार ख़रीदता है, ही बाइज़ अ न्यू कार एवरी ईयर। ही डज नॉट बाय अ न्यू कार एवरी ईयर, वो हर साल एक नई गाड़ी नहीं ख़रीदता है। डज ही बाय अ न्यू कार एवरी ईयर, क्या वो हर साल एक नई कार ख़रीदता है। अब देखें, जब हमने कहा वो हर साल नई कार ख़रीदता है तो हमने ही बाइज़ अ न्यू कार एवरी ईयर लिखा, बाय के साथ हमने एस का इस्तेमाल किया। फिर जब हमने इसी जुमले को नेगेटिव बनाया तो हमने एस की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी। जैसे हमने लिखा, ही डज़ नॉट बाय अ न्यू कार एवरी ईयर, और जब हमने इसको सवालिया बनाया तब भी हमने ये शर्त ख़त्म कर दी। जैसे डज़ ही बाय अ न्यू कार एवरी ईयर। देखिए, अगर हम वर्ब के आखिर में
अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उस जुमले के वर्ब के आखिर में एस या ई एस नहीं लगाएंगे तो वो जुमला रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये शर्त सिर्फ़ और सिर्फ हमें सादा जुमलों के लिए होती है, मींस कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो हम इस शर्त को फॉलो नहीं करते, मींस कि हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। जैसे कि हमने जुमला बनाया ही बाइज अ न्यू कार एवरी ईयर, उसी को जब हमने नेगेटिव बनाया तो हमने कहा ही डज़ नॉट बाय अ न्यू कार एवरी ईयर। सवालिया जब बनाया तो हमने कहा डज़ ही बाय अ न्यू कार एवरी ईयर। अब देखें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हम इस शर्त को फॉलो नहीं करेंगे। और इस सेंटेंस जब हमने ये सेंटेंस बनाया इसमें हमने इस शर्त को फॉलो नहीं किया जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव था। अब हमें कैसे मालूम हो कि हमने कहाँ एस लगाना है और कहाँ ई एस लगाना है? इसके लिए हमारे पास कुछ इंग्लिश के लेटर्स होते हैं जो कि वर्ब के आखिर में होते हैं, उनके मुताबिक हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। अगर जुमले के वर्ब के आखिर में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ आए तो हम उस वर्ब के आखिर में ई एस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये लेटर्स वर्ब के आखिर में ना हो तो हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। आइए अब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स को लेकर कुछ जुमले बनाते हैं और जानते हैं कि इन जुमलों में शराइत जो लागू होती हैं उनको किस तरह फॉलो किया जाए। जैसे एक सेंटेंस है इट रेन्स इन कराची ट्वाइस अ ईयर, कराची में साल में दो दफ़ा बारिश होती है। अब देखें हमने जब यहाँ लिखा इट रेन्स, अब वर्ब तो रेन होता है, हमने एस का इजाफा किया इसलिए कि इस वर्ब के आखिर में जो लेटर्स मैं आपको पिछली उसमें बता चुका कि डबल एस सॉरी सी एच एस एच डबल एस ओ, ये इन लेटर्स में से कोई भी लेटर इस वर्ब के आखिर में नहीं था। इस वर्ब के आखिर में क्या आ रहा था? एन, इसीलिए हमने सिर्फ एस का इजाफा किया। अब जब हम इसको इनकारिया बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे? इट डज़ नॉट रेन इन कराची ट्वाइस अ ईयर, कराची में साल में दो बार बारिश नहीं होती है। अब देखें जब हमने डज़ नॉट का इस्तेमाल किया तो एस ई एस की शर्त ख़त्म कर दी। इसी तरह जब हम इसको सवालिया बनाएंगे तब भी हम इस शर्त को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे डज़ इट रेन इन कराची ट्वाइस अ ईयर, अब देखें इस सेंटेंस में भी हमने एस ई एस की शर्त को फॉलो नहीं किया क्योंकि ये जुमला इंटेरोगेटिव था। अब इस तरह कुछ और जुमले बनाते हैं, जैसे माय मदर कुक्स बिरयानी वेरी वेल, माय मदर कुक्स बिरयानी वेरी वेल, इसका सब्जेक्ट माय मदर है और माय मदर जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसको हम इनकारिया बनाएं, माई मदर डज नॉट कुक बिरयानी वेरी वेल, मेरी वालदा बिरयानी बहुत अच्छी तरह नहीं पकाती हैं। लेकिन इसको सवालिया बनाते हैं, डज माई मदर कुक्स बिरयानी वेरी वेल, आप देखिए यहाँ हमने एस का इस्तेमाल किया, अगर हम डज लगाने के बाद भी एस का इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डज माई मदर कुक बिरयानी वेरी वेल, क्या मेरी वालदा बिरयानी बहुत अच्छी पकाती हैं। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, ही कीप्स फास्ट इन द होली मंथ ऑफ रमदान, वो रमज़ान के पाक महीने में रोज़े रखता है। इसको नेगेटिव बनाते हैं, ही डज नॉट
keep fast in the holy month of Ramadan. वो रमज़ान के मुकद्दस महीने में रोज़े नहीं रखता है. अब सवाल ये बनाते हैं, Does he keep fast in the holy month of Ramadan? क्या वो रमज़ान के मुकद्दस महीने में रोज़े रखता है? एक और जुमला देखते हैं, She scolds her children every time. वो अपने बच्चों को हर वक्त डांटती है. अब देखें, स्कोल्ड के साथ हमने एस का इजाफ़ा किया. अगर हमें वो लेटर्स जो को मैं पहले ज़िक्र कर चुका, जैसे सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, अगर किसी भी वर्ब के आखिर में वो लेटर्स हों तो हम ई एस का इजाफ़ा करेंगे, लेकिन अगर वो लेटर्स एंड पे नहीं आते तो हम सिर्फ एस का इजाफ़ा करते हैं, जैसे कि हमने इन सेंटेंसेस में किया. अब इस जुमले को इनकारिया बनाते हैं, शी डज नॉट स्कोल्ड हर चिल्ड्रन एवरी टाइम. डज शी स्कोल्ड हर चिल्ड्रन एवरी टाइम? माय सिस्टर वॉशस माय क्लॉथ्स. मेरी बहन मेरे कपड़े धोती है. माय सिस्टर डज नॉट वॉश माय क्लॉथ्स. मेरी बहन मेरे कपड़े नहीं धोती है. डज माई सिस्टर वॉश माई क्लॉथ्स? क्या मेरी बहन मेरे कपड़े धोती है? अब देखें, इस जुमले में हमने ई एस का इस्तेमाल किया वॉश के साथ, क्योंकि एंड में एस एच का लेटर्स आ रहे थे. मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी वर्ब के आखिर में सी एच, एस एच, एस एस और ओ आए तो हम उस वर्ब के आखिर में ई एस का इजाफा करते हैं, लिहाजा हमने यहाँ पे ई एस का इजाफा किया. जैसे वो दरिया पार करता है, ही क्रॉसेस द रिवर. ही डज नॉट क्रॉस द रिवर. डज ही क्रॉस द रिवर? एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं, अली नोज अबाउट यू. अली आपके मुतालिक जानता है. अगर हम इनकारी बनाएं तो हम कहेंगे अली डज नॉट नो अबाउट यू. सवाल ये बनाते हैं, डज अली नो अबाउट यू? क्या अली आपके मुतालिक जानता है? अब देखें, ये तमाम सेंटेंसेस जो कि हमने बनाए, इनमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में जाना, और जब हमारे पास सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो हम जुमला किस तरीके से बनाएंगे, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम जुमले कैसे बनाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बरवक्त मौसूल हो सकें और आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बना सकें. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फ़ी अमानिल्लाह.